हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन को याद करके सोच के आप देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें, अदर किसी जगह पे आप कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ना करें। और पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके बुक करना होता है, तो डेफिनेटली आप पेमेंट करके बुक करें। तो जिनको भी नंबर चाहिए आप लेके सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको ज़रूरत पे काम आए। और शॉर्ट रीडिंग मैं 199 में प्रोवाइड करती हूँ। बाकी डिटेल रीडिंग के चार्जेस अलग है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट वन क्वेश्चन का रीडिंग आते हैं 199 में, तो जिनको भी चाहिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करें। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है, क्या सोच रहे, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। आप अपनी पर्सन को याद कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, और उनका नाम ले सकते हैं 3 टाइम्स। प्लीज इनसे गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग बिनो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है। आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की एनर्जी कैसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में क्या हो रहा है आज के दिन में, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में क्या हो रहा है आज के दिन में। जब भी जिस भी दिन मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं रीडिंग को, जब भी जिस भी दिन देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेमोरीज ऑफ लव। शॉर्ट रीडिंग में आज यही एनर्जी आया है 6 ऑफ कप्स की, और लॉन्ग रीडिंग में भी यही आ रहे हैं, यानी ज़्यादातर लोगों के पर्सन मिस करने वाले हैं, मेमोरी को रिकॉल करने वाले हैं, पुराने जो भी टाइम्स अब दोनों प्यार का एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं उसको याद करने वाले हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ आपको लेके डे ड्रीम कर सकते हैं, मतलब सपना देखना, दिन में सपना देखना, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। और एक चांसेस है यहाँ पर जो है, ड्रीम में, आपके ड्रीम में आपके पर्सन आ सकते हैं या फिर उनके ड्रीम में आप आ सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर आज के दिन में वापस आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके एक्स पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे, स्पाई करने वाले बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर यही है, मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई ना कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है आपके इस रास्ते में, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आप पार करके आए हैं। अभी भी बहुत ऑब्स्टिकल्स है आपके रास्ते में। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, पावर आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत हार्डल्स को, मुश्किल सिचुएशन को पार किए हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर साहस आ चुके हैं। लेकिन हाँ, आपको इंतज़ार है कि कब तक, और कब तक मुझे ये सारी चीज़ें सहना है, अल्टीमेटली कब तक मुझे मेरा हैप्पीनेस मिलेगा, अच्छे टाइम कब तक आएगा, ये आपके इंतज़ार है। और आपके पर्सन आपको स्पाई करने वाले हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं आज के दिन में। कुछ लोग ऑनलाइन पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पे मूवी देखना, चैट करना, किसी को स्पाई करना, इस टाइप की एनर्जी रहेगा। साथ ही साथ किसी के घर में छोटा मोटा सा इस टाइप के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ, या फिर काम की जगह पे इस टाइप की भी एनर्जी है। साइन यहाँ पर है स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रांग है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके, तो ये सारे साइन आए हुए हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे इनका डीपर लेवल पे मीनिंग क्या है, क्यों आए हैं ये सारे कार्ड्स। और आपके पर्सन की लाइफ में आज के दिन में अचानक से कोई दुर्घटनाएं घट सकते हैं, टावर मोमेंट आ सकते हैं, या फिर रिसेंटली आए हैं, रिसेंट पास्ट में आए हैं, टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, इस टाइप की एनर्जी है, किसी चीज़ का बोझ है, बर्डन है, साथ ही साथ बहुत इमोशनल भी है, ओके, आपके लिए उनके दिल में बेहद प्यार है, ये एनर्जी है आपके पर्सन की।
प्लीज एंजल क्लैरिफाई करे कार्ड्स को, ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की एनर्जी में। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आए हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी क्यों आए हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी क्यों आए हैं। द एम्परर नाइन ओके एट ऑफ कप्स विद द टावर कार्ड, मैंने कहा ना उनके लाइफ में कोई ना कोई अचानक से टावर मोमेंट आए हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के थे, ओके बहुत ज़्यादा एक उनका एक पावर था, ठीक है, तो उनकी वो जो पावर है, घमंड है या फिर ईगो है, उसको तोड़ने के लिए रिवाइन हो सकता है कुछ इंटरवेंशन किया होगा, ठीक है, ताकि वो इमोशनली जुड़ सके। देखिए अगर आपके पर्सन मास्कुलाइन एनर्जी में है, तो मास्कुलाइन एनर्जी में अगर मास्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान के अंदर एक तरफ फेमिनाइन एनर्जी होते हैं यानी लड़की वाली एनर्जी होते हैं, एक तरफ होते हैं मास्कुलाइन एनर्जी यानी मर्द वाली एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लड़के वाली एनर्जी, तो यहाँ पर जो है ना आपके पर्सन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मास्कुलाइन एनर्जी था, लड़के वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा था कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, रोता नहीं हूँ, ठीक है, या फिर उनके अंदर बहुत ईगो है, जिद है, तो इस टाइप की एनर्जी को झुकाने के लिए आपके डिवाइन ने कुछ ऐसा किया ताकि वो इमोशन के साथ जुड़ सके, उसके अंदर जो फेमिनाइन साइड है, लड़की वाली जो एनर्जी है, उसको जगाने के लिए ये चीज़ें हो सकता है कि डिवाइन ने किए हैं। इस टाइप की मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर द एम्परर कार्ड विद द टावर कार्ड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इमोशन के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव को दिखा रहे हैं, तो वो आपको टूट के याद करने वाले हैं, बेहद मिस करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। ये जो न्यू मून आ रहा है अभी अभी, इस न्यू मून पे आपके पर्सन आपको टूट के याद करेंगे, और ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स हो, जो लोग देखते हो मेरा रीडिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिखाई देगा कलेक्टिव लेवल पे, और आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट उनका आएगा ही आएगा ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्लैरिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जेस्चर रिसीव होने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है, स्पेशली अगर आपके पर्सन के अंदर कोई ईगो था और आप सामने से बहुत ज़्यादा उनको प्यार दे रहे थे, प्यार कर रहे थे, लेकिन वो आपकी प्यार और केयर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको ईगो हो गया था, घमंड हो गया था चीज़ों के ऊपर कि मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी वो घमंड तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें डिवाइन ने किए होंगे। पेज ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्स कार्ड, ओके, द हाई प्रिस्टेस सन ऑफ वैंस, आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं सीक्रेटली, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ है जिसको उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, सीक्रेट है, और यहाँ पर वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे किसी सिचुएशन के साथ फाइट करने के लिए, किसी ऑब्स्टिकल से बाहर आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे, ठीक है, किस चीज़ का वार्डन है यहाँ पर, देखिए टेन ऑफ वैंस, यहाँ से भी टेन ऑफ वैंस ऑलरेडी आए हुए हैं, टेन ऑफ वैंस क्यों आए हैं, ओके, आपके पर्सन खुद की विश फुलफिलमेंट करने के लिए कोई ना कोई पावरफुल डिसीजन ले रहे हैं, और कोई बैगेजेस से बाहर आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए ही वो रेडी टू फाइट वाली एनर्जी में वापस आ रहे हैं, ठीक है, कि वो आपके लिए फाइट करेंगे, लड़ लेंगे। द टावर कार्ड क्यों आए हैं, और वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जीना चाहते हैं, द सन, यस, एक्शन लेंगे आपके पर्सन, कोई साइकिल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक्शन लेंगे, द वर्ल्ड कार्ड है, एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आएगा और आप दोनों का विश फुलफिल होगा, यस, स्टैंड ले रहे हैं आपके पर्सन, किसके लिए, आपके लिए, ये जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत एंड पावरफुल कार्ड है, विक्ट्री विद द लवर्स कार्ड, तो वो आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ गुजरना चाहते हैं, आने वाले 6 डेज के अंदर
बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होगा, 6 बजे तक आज के दिन में आ सकता है कॉल मैसेजेस, ठीक है, इवनिंग को 6 बजे तक, या फिर कभी भी जब भी आप देख रहे हो मॉर्निंग की 6 बजे तक, ओके, आपको कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकता है गाइस। और यहाँ पर नंबर 6 जो है जून मंथ को डिनोट कर रहे हैं, तो जून मंथ के अंदर ज़्यादातर लोगों के पर्सन किसी ऑब्स्टिकल से फाइट करके आपके तरफ विक्ट्री हासिल करके आएंगे, ठीक है। जिन लोगों के रिश्ता थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, बातचीत हो रहा है, आपको पता है कि आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स है कि आपके पर्सन प्यार करते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात सच है कि वो आपको स्ट्रांगली प्यार करते हैं, ये आपको 100% पता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जून मंथ, इस ईयर की जून मंथ को आपको बहुत बड़ा एक स्टेप आपके रिश्ते में आपके पर्सन लेंगे, ठीक है, और वो खुद प्लानिंग कर चुके हैं आपको न्याय दिलवाने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, यहाँ पर किसी तरीके का लीगल मैटर भी हो सकते हैं, जिनके रिश्ते में लीगल मैटर इन्वॉल्व है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ वैंस, रीच आउट करेंगे आपके पर्सन, कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर 8 ऑफ वैंस कार्ड आया है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन वापस आते हुए नजर आ रहे गाइस, सन ऑफ सोर्स फिर से सेम कार्ड आया है यहाँ पर, तो चीज़ों को आपके पर्सन सॉर्ट आउट करेंगे, बैलेंस करेंगे, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन को पता चल जाएगा कि आपके साथ उनका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके, या फिर कौन सी कनेक्शन पे है, आप दोनों का रिश्ता किस टाइप की है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको क्लियरिटी मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है डेस्टिनी के साथ, 8 ऑफ वैंस का कार्ड ही दिखा रहा है कि डेस्टिनी आपके फेवर में काम करने वाले हैं, लाख आपके फेवर में काम करेंगे, और जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके करियर में, लव लाइफ में, वो रिमूव होगा। आपको पता है ना, जब लाख साथ देता है तो हर मुश्किल आसान हो जाते हैं, मिराकल होते हैं, मैजिक की तरह काम करते हैं, तो आपके रिश्ते में आपका जो लाख है, आपका जो फॉर्चून है, वो काम करने वाले हैं। और कब फॉर्चून काम करता है, जब आपकी पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, पास्ट लाइफ के बैड कर्मा रिलीज हो जाते हैं, और जो अच्छे कर्म है वो आपको फल देना स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं, तब आपके लाग आपके साथ देते हैं। तो कुछ भी ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि हम काम करते हैं तभी हमें पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है जब हम काम करते हैं, राइट। तो जैसे आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो लाग ऐसे ही फेवर नहीं करते हैं जिनका आपको आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोग इस लाइफ में, इस जन्म में ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनको बैठे बैठे ही आसानी से बहुत अच्छा जॉब मिल गया, बहुत अच्छा पार्टनर मिल गए, हैप्पीली वो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, खुश है। आपको लगता होगा मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मेरे हर एक रिश्ता टूट रहा है, जिसको भी आप भरोसा कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, वो छूट रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ कर्मास होते हैं, और जो लोग अच्छे हैं उनका उस टाइम का अच्छे कर्म की रिजल्ट वो मिल रहे होते हैं। तो सबके लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ है, तो जिनका जितना है उनको उतना ही मिलते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं, जो खराब कर्म करते हैं उनको भी वैसा ही रिजल्ट मिलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। 3 ऑफ वैंस कार्ड क्यों आए हैं, यस, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है गाइस। आज के दिन में जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेजर चेंजेस आएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इस जो 3-3 पोर्टल गया है अभी, तो इसके बाद आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आएंगे। जजमेंट, दिस इज अ जजमेंट टाइम, और काल शिवरात्रि है गाइस, तो महादेव आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना ही है, ओके। तो यहाँ पर जजमेंट टाइम है, आपके पर्सन जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और एक रिजल्ट उनको प्राप्त होने वाले हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन था, पेंटिकल को लेके जगलिंग कर रहे थे, पैसों का दिक्कत चल रहा था, तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं गाइस, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की आज के दिन में, ओवरऑल आपके लिए भी है, ठीक है, क्योंकि आप हर रोज़ देख रहे हो,
तो ये एनर्जी आपसे भी रेजोनेट करेगा अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, करियर में प्रॉब्लम चल रहे थे, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे चारों तरफ से, तो यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं, आपका डेस्टिनी आपके फेवर में काम करने वाले हैं। और यस गाइस, ये आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करेगा, ठीक है, हर किसी को रिजल्ट दिखेगा। तो एक्यूरेट के लिए आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है जनरल प्रेडिक्शन से, तो डेफिनेटली आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ताकि मैं आपको आपकी नेम के हिसाब से एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकूँ आपको। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपके लव्ड वन, फिनेंशियल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं इस रिश्ते में, आगे क्या होगा इस रिश्ते में, फिनेंशियल गाइड करें इस रिश्ते में आगे क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। किसी चीज को लेके कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड इन दिनों बहुत आ रहे हैं गाइस, किसी के ना किसी का विश फुलफिल तो जरूर होगा। शॉर्ट रीडिंग में भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, तो कुछ लोगों को अपनी जीत हासिल होने वाले हैं गाइस, इच्छा पूरा होने वाले हैं आपका, स्पेशली अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा था, ठीक है, अपनी करियर में, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा था लेकिन फिर वो काम नहीं कर रहा था, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स, रिजेक्शन। और कुछ लोग अपनी पर्सन को सामने से बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर रहे थे लेकिन वो इग्नोर कर रहा था आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आया सन कार्ड विद द विश फुलफिलमेंट कार्ड, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका कोई ना कोई इच्छा पूरा होगा। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी का फ़ोन कॉल्स आ सकता है। देखिए लड़की फ़ोन में बात कर रहे हैं, ये जो साइन है मैसेजेस की साइन है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपनी उस फुलफिलमेंट के लिए कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे सिटी जा सकते हैं, काम मिल सकता है आपको, अपॉर्चुनिटी आ सकता है, कोई घूमने जा सकते हैं, सी साइड जा सकते हैं, किसी को शिप में बैठना ड्रीम था तो वो शिप में बैठ सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ लोगों के करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने लिए सोचेंगे तो यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि आपके करियर में, फाइनेंस में बढ़ोतरी दिखे आपको, आपको पावर पोजीशन मिल सकते हैं, आप हाईलाइटेड हो सकते हैं, नेम फेम मिलने की चांसेस है गाइस। पता नहीं क्यों मुझे आज ये कार्ड देख के ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ही इतना पॉजिटिव है। और देखिए जब हम रीडिंग करने बैठते हैं ना, तब हमारा एनर्जी कुछ अलग ही होता है, हमें इंट्यूशन आता है कि ये सारी चीज़ें बोलना है। तो हर टाइम आप देखिएगा एक कार्ड को लेके सेम चीज़ें हम लोग नहीं बोलते, डिफरेंट टाइप के चीज़ें बोलते रहते हैं। तो एक कार्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और जब हम रीडिंग करते हैं तब हमें कोई और गाइड करता है, और हमारे इंट्यूशन जो भी हमें गाइड करते हैं वो हम बोलते रहते हैं। तो मुझे आज ये सन कार्ड को देख के लग रहा है कि आपको एक पावर मिलने वाले, पोजिशन मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को नेम फेम हासिल होने वाले हैं गाइस। अगर काफ़ी टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत की रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा आपको। नाइन ऑफ कप्स के साथ दी सन कार्ड, विश फुलफिलमेंट, जो आपका विशेस था वो पूरा होगा। कुछ लोग कहीं बाहर जाने के लिए काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की बहुत यहाँ पर एनर्जी है खूबसूरत सी, और सी साइड स्पेशली मुझे दिखाई दे रहे, सी साइड की एनर्जी है। कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, स्पेशली ड्रिंकिंग से रिलेटेड, तो आपका बिजनेस विशेस फुलफिल होगा, ठीक है, कोई ना कोई आपका विशेस फुलफिल होगा। अगर कुछ लोग अपनी अपने लिए कोई पेट खरीदना चाह रहे थे तो भी यहाँ पर आपको पेट आप खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बैग्स या फिर ट्रॉली, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पर रिसीव होने वाले। कुछ लोग अपने लिए कुछ फैंसी खरीद सकते हैं, बैग्स खरीद सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये है सारी चीज़ें, और बाकी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि कहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने वाले, किसके साथ कन्फ्लिक्ट होने वाले। साथ ही साथ गाइस आज के दिन में या फिर जब भी आप देख रहे हो, उसके रिसेंट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में आपका कोई चीज़ चोरी हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर खो सकता है, तो अलर्ट रहे। यहाँ पर लॉसेस की भी एनर्जी है कुछ लोग के लिए, तो
अलर्ट रहे ताकि आपको ये एनर्जी रेसोनेट ना करे। कुछ लोग को यहाँ पर धोखा मिलने की भी चांसेस है थोड़ी बहुत ऐसी कार से यहाँ पर, तो रिसेंट फ्यूचर में आपको दिखाई देगा कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें हो सकते हैं आपके साथ। फ्यू परसेंटेज ऑफ लोगों को फाइव ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों आए हैं, क्वीन ऑफ वैंस द मून कार्ड, आपके आपके मन में कन्फ्लिक्ट रहेगा गाइस। आप बाहर से बहुत ज़्यादा हंसते खेलते रहोगे, आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप बहुत खुश हैं, सज धज के कहीं जा रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, खुद खुद के लिए आप प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर कन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इमोशनल रहोगे, कोई ना कोई टावर मोमेंट या फिर कोई ना कोई इंसिडेंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं, पेशेंस को गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्स बॉटम द डेक, काम का प्रेशर रहेगा, यस, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, दी लवर्स कार्ड क्यों आए हैं, हेल्दी सो एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी या फिर आपकी एनर्जी रिसीव हो रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, या तो फिर आपके पर्सन को लगेगा आप चीट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है, और आप काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आप उनसे छुपा रहे हैं, तो बाईस वर्षा एनर्जी हो सकता है। या तो आप सोचेंगे आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आपके पर्सन सोचेंगे आप उनसे चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए इन दिनों, इस टाइप की एनर्जी लगेगा उनको। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आए हैं, नाइन ऑफ वैंस, अगर किसी चीज़ को लेके आप डर रहे थे तो यहाँ पर विक्ट्री हासिल होने वाले हैं। कॉल टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, जिनके लव्ड वन आपका कॉल मैसेज टेक्स्ट रिसीव नहीं कर रहे थे, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से कॉल मैसेज टेक्स्ट रिसीव होगा आपको। नाइन ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो आपके अंदर जो भी डर था, एनजाइटी था, या फिर आपके पर्सन की जो भी डर, एनजाइटी, स्लीपलेस नाइट था, वो ओवर होने वाले हैं, विक्ट्री मिलने वाले हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हेल्थ इशू भी था, कोई परेशानी था, किसी को कहीं पर चोट लगे थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लड़की बैठी हुई है इनके हाथ पे बहुत सारे चोट हैं, तो अगर कोई बैड इंसिडेंट था तो भी यहाँ से ओवरकम करने वाले हैं आपके पर्सन या फिर आप। विक्ट्री का कार्ड है, कैसा विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं, प्लीज मुझे गाइड करें। स्ट्रेंथ, टॉक्सिक विच एंड दी एम्प्रेस, जो भी थर्ड पार्टी था, जो भी टॉक्सिक रिलेशन था किसी के, आपके या फिर आपके पर्सन के लाइफ में, अगर कोई कार्मिक एनर्जी था, टॉक्सिक रिलेशन था, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के बाद वो चीज़ें एंड हो सकते, ख़त्म हो सकते, ठीक है, यस। सन कार्ड क्यों आए हैं, क्या एक्शन होने वाले हैं, ओके, आपके पर्सन आपके लिए एक सेलिब्रेशन लेके आ रहे हैं, आपके साथ शादी फिक्स कर सकते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे, कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे, रिंग देने के बारे में सोच रहे, इस टाइप की एनर्जी है। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्स विद द एस ऑफ वैम्स कार्ड, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन करने वाले हैं गाइस, यस। मुझे जैसे कि मैंने बोला ना करंट एनर्जी में कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेजर चेंज, मेजर एक पावरफुल चेंज आ रहे हैं कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है, जो लोग अपने रिश्ते में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, यानी लेवल होते हैं एक कि आप कौन से लेवल पर हैं, तो जो लोगों का मतलब बातचीत हो रहा था पर्सन के साथ और आपके बीच में, दोनों लवर्स के बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स था कि वो रिमूव ही नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आपके पर्सन उस सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज होगा क्योंकि ये डेस्टाइंड है, यस, टेन ऑफ सोर्स। आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं
और खुद के लाइफ को बैलेंस्ड करने के लिए, खुद की विशेस को फुलफिल करने के लिए, जिनको वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, ओके, उनको पाने के लिए और उनके लाइफ को बैलेंस तरीके से जीने के लिए वो ये सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे खुद खुद ही, ठीक है, खुद ही एक पावरफुल एक्शन लेंगे। अगर इतना टाइम वो डिले कर रहे थे कि हाँ सही टाइम पे होगा, डिवाइन करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करना चाहती, एक्चुअल में डिवाइन अपने हाथ से कुछ नहीं करते, हमें माध्यम बनाते हैं कि तुम करो, तुम ही करोगे, ठीक है, वो आपको ही माध्यम चुनते हैं और आपके आपके माध्यम से ही काम करवाते हैं। तो सेम आपके पर्सन को लग रहा था कि इजीली हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, मिरेकल हो जाएगा कि इजीली वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपके पर्सन ही माध्यम बने हुए हैं ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो खुद ही यहाँ पर एक्शन लेंगे और जो भी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ऑब्स्टिकल्स है, उनको पूरी तरीके से एंड करके आपके साथ बैलेंस्ड वे से जीने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर काम भी करेंगे। और ये चीज़ें उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है, इतना ज़्यादा सोचे हैं उनके ऊपर, इमेजिन किया है। इमेजिनेशन को एक तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस ही है इमेजिनेशन। जितना ज़्यादा सोचोगे प्योर इंटेंशन के साथ, इमेजिन करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर लिए हैं, तो इसीलिए ये चेंजेस ज़्यादातर लोगों को दिखाई देगा। नंबर 5 जो है चेंजेस का पोर्टल है, ठीक है, 5-5 पोर्टल में ये मेजर चेंजेस आपको दिखेंगे। और मैंने बोला नंबर 6 यानी जून मंथ, तो जून मंथ में और 5-5 पोर्टल के बाद ये चीज़ें आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कॉल मैसेजेस तो आ ही रहा है, और फ्यू परसेंटेज ऑफ लोग जो लोग अपनी जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, अपने लाइफ लेसन लिया है, नॉलेज विस्डम लिए है सिचुएशन से और स्ट्रेंथ में आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी आपको सिचुएशन में लर्न करना था, जो भी डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे थे, आप सीख चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। आपके रिलेशनशिप के सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्रीशियस टाइम, ये जो टाइम है बहुत प्रीशियस है आपके लिए, हार्डवर्क करें, ठीक है। हालांकि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप हार्डवर्क करें, जब रिजल्ट की बारी आएगा तब जरूर आपको रिजल्ट दिखेगा। हम साल भर स्टडी करते हैं और ऐसा एक टाइम आता है जहां पर हमको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद अपने टाइम पे रिजल्ट आते हैं। तो जब हम एक साल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तब रिजल्ट नहीं दिखता, एनुअल में रिजल्ट दिखता है, राइट, एग्जाम देने के बाद। तो सेम यहाँ पर आप हार्डवर्क करो इस टाइम पे, तो जो रिजल्ट का टाइम होगा वहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेगा। हालांकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितना टाइम काम करना है, तो इसीलिए मैंने एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपको दिया। खुद को हील करो, खुद के अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, आप रिलीज़ करो। कैसे कर सकते हो, या तो डायरी में लिख के आप उनको जला दो और यूनिवर्स में ब्लो कर दो कि बोलो मैं रिलीज़ कर रही हूँ, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ यूनिवर्स, सब कुछ मैं आपके ऊपर ही सरेंडर कर रही हूँ। अदरवाइज आप अपनी गॉड के पास जाके मन ही मन सब कुछ बोल दो, उनको शेयर कर दो। म्यूज़िक आप सुनो, खुद को हील कर पाओगे। हीलिंग की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी में है या फिर आपके पर्सन नेगेटिविटी में है, तो उनको बोलो कि वो म्यूजिक सुने, ओके। और ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक मेजर चेंजेस आ रहा है, डेथ कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो बटरफ्लाई जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते हैं, जब वो कैटरपिलर बनते हैं, वो जो पीरियड है वो हर्मिट मोड कहलाता है, ठीक है, एक तरीके का। तो उस टाइम पीरियड में वो बहुत तकलीफें सहते हैं, और जब उनका वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई में, तो वो कितना खूबसूरत हो जाते हैं। और एक बटरफ्लाई को पकड़ने में, देखने में लोग कितना हैरान रहते हैं, राइट, उनको पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कितना खूबसूरत भी है वो, नेचर के आसपास रहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपको कुछ ट्रू फ्रेंड्स भी मिलने वाले हैं, या फिर आप अपनी लाइफ का ट्रू फ्रेंड्स को पहचानो कि कौन आपके लिए सही है, गलत है, किस संगति में है आप, ये चीज़ों को आप सुनो। और फाइंड बैलेंस, खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करो, जो भी चीज़ आपको पसंद है करना वो सारी चीज़ें आप करो और खुद को बैलेंस रखो, ठीक है। तो गाइस ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको पसंद आया है, रेजोनेट किए हैं और रिजल्ट होप दिखेगा आपको, ठीक है।
मैं प्रेयर करती हूँ ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखे, जो भी रीडिंग का पॉजिटिव रिजल्ट है सबके कॉल मैसेजेस आ जाए अपनी लव्ड वन की तरफ से, सबका बातचीत होने लगे और सबका डिजायर फुलफिल होने लगे। तो गाइस फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।